कप्तान भी देश के अंदर प्रथम श्रेणी राज्य होते हैं उस श्रेणी में पहुंच जाए, प्रतिद्वंदिता बढ़ जाए राजस्थान के अंदर, लोग खुश रहे, तनाव में नहीं रहे, ये माहौल बने राजस्थान के अंदर। और अभी जो सहयोग है भारत सरकार का, उसके अंदर आपको यहाँ की खुशी होगी, राजस्थान नंबर दो पे आया है आर्थिक विकास के अंदर, नंबर एक आंध्र प्रदेश 11.4% जीडीपी, 11.04% राजस्थान जीडीपी है। तो आप सोच सकते हैं आज भी राजस्थान इस कदर वित्तीय प्रबंधन कर रहा है, आर्थिक विकास की दर बढ़ा रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ पर जो हमने सपना देखा है राजस्थान का विकास का वो पूरा हो सके। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ, मैं मांगे तो कई कर रखी गई मेरे सामने, और मैंने क्या रखा है मलिंगा जी को, जो आप मांगोगे मैं कभी मना करूंगा नहीं आपको। किसानों का कानून तो देख लिया आपने, कितने 500-600 किसान मर गए बेचारे आंदोलन के अंदर, अगर पूछ के कानून मनते ये नौबत नहीं आती। ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि जनता को भुगतना पड़ता है, कभी लाइनों में लगते बैंकों के सामने, कभी किसानों को। ये अच्छी परंपरा नहीं है, लोकतंत्र में जनता क्या चाहती है उनको पूछ के काम करना चाहिए। और हमने जो जन घोषणा पत्र बनाया था वो उसी रूप में बनाया था। अब जो बात आई है आपके ईआरसीपी की, ईआरसीपी हम लोग काम आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग तो लगातार वादा खिलाफी की है केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वादा किया जयपुर में अजमेर में 25 MP जिता दिए जनता ने, पानी के मंत्री राजस्थान के हैं, दुख होता है। आज पानी की योजना ऐसी है 13 जिले की, कितना आराम हो सकता है, टाइम पे पूरी हो सकती है, और हम तो कर रहे हैं आगे, हमारे साधन सीमित है। 13,000 करोड़ रुपये रखे मैंने फिर भी आरसीपी के अंदर, आगे भी बढ़ाएंगे योजना को पूरी करेंगे। पर ये जो इनका तरीका गलत है, सरकार बनते ही ये योजना बंद कर देते हैं, कांग्रेस सरकारों की रिफाइनरी बंद कर दी हमारे वहाँ, आपको मालूम है कीमत बढ़ गई उसकी भी, करीब 38-40 हज़ार की योजना थी, 72,000 करोड़ लगेगा रिफाइनरी बनने के लिए 75 हज़ार बाड़मेर के अंदर। ये पिछली सरकार यही काम करती है, आपके सरमत्रा गंगापुर सिटी वाया आपके करौली बाड़ी भी आएगा। अब इतनी बड़ी शानदार योजना का हमने, मैंने भी आया था आपको याद होगा शिलान्यास करने के लिए, उस दिन भी बाड़ी के लोगों ने बगैर कोई इतला के, ये मलिंगारी खड़े हैं, इतनी शानदार मीटिंग करवा दी, वहां मैं 3 घंटे लेट पहुंचा सरमत्रा, रेल मंत्री आके बैठे रहे वहां पर, राज्य मंत्री, इतनी बड़ी सभा करवा दी। आपके यहाँ तो मलिंगा ने जादू कर रखा आपके ऊपर, इतने लोग जादूगर तो लोग मुझे कहते हैं, तो बाड़ी का जादूगर तो लगता मलिंगा लगता है, मलिंगा लगता है। इतनी बड़ी बड़ी सभा करवा में ये 4थी बार में आया हूँ बाड़ी के अंदर, ये आपका प्यार उनका आपका आशीर्वाद इसके प्रति है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना दिल जीतना लोगों का, वो जीत सकता है जिनको दिल साफ हो, साफ कोई की बात करता हो, गरीबों की मदद करता हो, वही कर सकता है। ये मुझे खुशी है कि ऐसा नुमाइंदा आपको मिला है जो कोई कमी नहीं रख रहा है। इसलिए मैं आपको एक मांग और थी कि कुशवा माली सैनी मौर्य साक्य ये मांग जो कर रहे हैं आरक्षण की, अभी आपको मालूम है कांग्रेस के अधिवेशन में रायपुर के अंदर छत्तीसगढ़ में एक प्रस्ताव पास किया कांग्रेस ने भारत सरकार से मांग करने का, मैंने ही मांग करी है, खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने मांग करी है प्रधानमंत्री जी से कि जाति वाइज गणना करवाओ, जनगणना करवाओ, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला है, हम दबाव बनाएंगे। और मैं कुशवा माली सैनी समाज सबको कहना चाहूंगा, मौर्य हो चाहे साक्य हो कोई कौम हो, ओबीसी की हो SC ST की हो, समय आ गया है हम मांग करें 1931 के अंदर जनगणना हुई थी जातिवाइज।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।